हेलो एवरी वन माई नेम इज़ रसिका एंड आई वेलकम यू टू एडियो सो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट टू ऑफ वर्ब्स सो टुडे आई विल बी टीचिंग यू ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड रेगुलर एंड इनरेगुलर वर्ब्स और लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्या है क्लियर हो जाएंगे जब आप वो क्वेश्चन कर लेंगे तो आई होप पार्ट वन सब ने देख लिया था वो बेसिक वीडियो था जिसमें मैंने आपको लिंकिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ाया था उनके बीच का डिफरेंस बताया था तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन तो स्टूडेंट्स आज जैसे अभी पढ़ेंगे पहले हम लोग ट्रांजिटिव एंड इन वर्ब्स के बारे में सो so, वॉट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर ओके सो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक्शन क्या है पास ऑन होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ही बॉल सो ही क्या है आपका ही इज योर सब्जेक्ट किड आपका क्या है वर्ब है और बॉल आपका क्या है ऑब्जेक्ट है अब ही जो पर्सन है ठीक है ही को आप नाम लिख लो चाहे राम राम किक द बॉल अगर हम बोलते हैं तो उसने किसको किक किया बॉल को तो वो एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ बॉल के ऊपर हुआ सो किक इज योर ट्रांजिटिव वर्ब अब आप कैसे पता लगाओगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि इन ट्रांजिटिव है तो इसका बहुत ही सिंपल रूल है आपको क्या करना है वर्ब से क्वेश्चन पूछना है क्या क्वेश्चन पूछना है वॉट और अगर आपको आंसर मिल जाता है वॉट या हु पूछने पे तो वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है देखिए अगर आप पूछो ही से वॉट यू किड आंसर मिल गया अ बॉल तो किड क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है हुम किसके में आंसर मिलेगा जब कोई लिविंग थिंग होगी ये एग्जाम्पल देखिए पहले ही फ्लू द काइट्स यस्टरडे ही आपका क्या है ट फ्ल्यू वर्ब है कौन सा वर्ब है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वो अभी हम पता लगाएंगे और काइड्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है सो so, अभी हम वर्ब से अगर क्वेश्चन पूछना है हमें वॉट या हूम तो वॉट यू फ्लू आंसर मिल गया आई फ्लू द काइड्स तो फ्लू क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है सिमिलरली इज कोल्डेड हिज सर्वेंट्स अब ये लिविंग है लिविंग थिंग है सर्वेंट तो इसमें आप ही सब्जेक्ट है scolded वर्ब है और सर्वेंट ऑब्जेक्ट है अब आप इसमें वर्ब से क्वेश्चन पूछो हुम यू आंसर मिल गया सर्वेंट तो इसमें आपको what से आंसर मिल गया और इसमें आपको हुम से आंसर मिल गया और दूसरा तरीका क्या है देखने का वर्ब के पास क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसलिए ये वर्ब्स कैसी है ट्रांजिटिव वर्ब्स है स्टूडेंट्स और इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और व्हिच एक्सप्रेसस अ स्टेट और बीइंग तो इसमें दो चीजें हैं एक सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है कोई भी वर्ब करता है एक तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर पास नहीं होती है या फिर वो सिर्फ उसका स्टेट या बीइंग बताता है फॉर एग्जांपल अगर हम बोले शी इज अ टीचर यहाँ लिखते हैं आई होप यहाँ आई थिंक मेरा फेस आ रहा होगा यहाँ लिखते हैं शी इज अ टीचर तो ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ये आपका इज कैसा है इज आपका लिंकिंग वर्ब है वो शी के बारे में बता रहा है शी इज अ टीचर ये कुछ एक्शन नहीं कर रहा है ये उसकी स्टेट ऑफ बींग के बारे में बता रहा है कि हाँ वो लड़की टीचर है ठीक है तो ये टीचर क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है ये टीचर इज योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये शी का ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो इसके बारे में बता रहा है शी के बारे में बता रहा है ठीक है तो ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जितने भी वो सारे इनट्रांजेटिव वर्ब्स होते हैं क्योंकि उसमें एक्शन पास ऑन नहीं होता है ऑब्जेक्ट पर ठीक तो है तो देखिए जॉन जम्प्ड विद जॉय जॉन आपका सब्जेक्ट है जम्प्ड आपका वर्ब है विद आपका प्रेपोजिशन है और जॉय आपका क्या है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आपका जॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो डायरेक्ट वर्ब के बाद आता प्रेपोजिशन के बाद आया इसलिए ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स तो अगर आप इससे जॉन से क्वेश्चन पूछो व्हाट यू जंप आंसर मिला नहीं मिला विद हुम यू जम्प तो भी आंसर नहीं मिला विद जॉय है विद के साथ लगा है तो ये क्या है इन ट्रांटिव वर्ब है वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको नहीं मिला अगर आप पूछोगे हाउ यू जम्ड तो आंसर मिला विद जॉय तो तो हाउ का अगर आंसर मिल रहा है तो वो वर्ब नहीं है वो सब अगर बाद में एडवर्ब भी लगा है देखिए ही शाउटेड लाउडली ही आपका सब्जेक्ट है शाउटेड वर्ब है और लाउडली क्या है आपका एडवर्ब है तो अगर आप इसमें वर्ब से क्वेश्चन पूछो वॉट यू शाउटेड वॉट ही शाउटेड आंसर मिला नहीं ऑन हुम यू शाउटेड तो भी आंसर नहीं मिला हाउ यू शाउटेड का आंसर मिल रहा है कि हाउ यू शाउटेड लाउडली हाउ का मिल रहा है ठीक है वेयर का आंसर मिले वेन का आंसर मिले यानी अगर वर्ब के बाद आपका एडवर्ब लगा हो प्रेपोजिशन लगा हो एडजेक्टिव लगा हो तो वो सारी वर्ब्स आपकी इन वर्ब्स होती है स्टूडेंट्स ठीक है वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट उसका नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है बाकी आगे एडजेक्टिव लगा हो प्रेपोजिशन लगा हो ठीक है ये सारे आपके इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे देखिए शी सैट ऑन बेंच शी आपका सब्जेक्ट है सैट वर्ब है अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव है कि इन ट्रांजिटिव है ऑन आपको पता है क्या है प्रेपोजिशन है तो भाई द बेंच जो है जो कि नाउन है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है क्यों क्योंकि वो प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये प्रशन का ऑब्जेक्ट है और ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनका वर्ब का खुद का ऑब्जेक्ट होता है ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अगेन तो अभी आप इसमें पूछो व्हाट यू सेट आपको सिर्फ व्हाट या होम का आंसर मिल रहा है वर्ब से पूछने पे तभी ट्रांजिटिव वर्ब्स है व्हाट यू सेट नहीं है यू सेट नहीं मिल रहा है ठीक है अब आपको आंसर मिल रहा है ऑन व्हाट यू सेट ऑन करके आपको पूछना पड़ा है प्रेपोजिशन तो अगेन ये क्या है आपकी इन ट्रांजेटिव वर्ब्स है तो इसमें आपने क्या देखा अगर वर्ब के बाद इफ वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रशन और एन एडवर्ब तो वो वर्ब कौन सी होती है इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट सिर्फ आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है स्टूडेंट्स ठीक है उसके अलावा अगर प्रेपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब लगा है तो सारी इन ट्रांजेटिव वर्ब है साथ में जितनी भी लिंकिंग वर्ब्स हमने पड़ी थी वो सारी आपकी इन ट्रांजेटिव वर्ब्स है ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हुआ ये रूल अब इसको और अच्छे से समझेंगे वन बाय वन एक रूल पढ़ेंगे चलिए सो रूल नंबर वन से ट्रांजेटिव वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट सम ट्रांजेटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाई टू ऑब्जेक्ट्स तो अभी हमने क्या देखा ट्रांजेटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है बट कुछ ऐसी होती है वर्ब्स जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं मतलब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो कौन सी वर्ब्स होती है फॉर एग्जाम्पल आस्क गिव टेल ऑफर प्रोमिस वो इसलिए क्योंकि आप अगर किसी से कुछ पूछोगे किसी को कुछ दोगे किसी को कुछ बताओगे किसी को कुछ ऑफर करोगे किसी से कुछ प्रॉमिस करोगे तो इसमें दो चीजें आएंगी एक तो वो पर्सन आएगा जिसको आप कुछ दोगे या लोगे और दूसरी वो चीज आएगी जिसके बारे में आप वो ऑफर दे रहे हो या पूछ रहे हो ठीक है तो एक लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग दो चीजें की बात होगी इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल ही आस्ट मी माई नेम तो ही इसमें क्या है सब्जेक्ट है आस्ट क्या है वर्ब है वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आई गया मी माई नेम आ रहे हैं ऑब्जेक्ट तो ये वर्ब कौन सी है ट्रांजिटिव वर्ब है ये तो क्लियर हो गया हमें ठीक है इन ट्रांटिव वर्ब में तो वैसे भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ट्रांजिटिव वर्ब है अब उसने मुझसे क्या पूछा मेरा नाम पूछा तो जो मेरा नाम है ये क्या है ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वो जानना चाह रही है और किससे पूछा मुझसे पूछा तो मी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ठीक है वो जानना क्या चाह रही है मेरा नाम जानना चाह रही है ना तो जो पूछा मुझसे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किससे पूछा मुझसे पूछा तो मैं कौन हूं मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं ओके स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ही ऑफर्ड हर अ कप केक आप देखोगे तो जो बगल वाली होती है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होती है लगभग सो ही सब्जेक्ट है ऑफर्ड आपका वर्ब है और कौन सा वर्ब है ट्रांजिटिव है क्योंकि उसके बाद दो दो ऑब्जेक्ट आ गए हर भी आ गया कप भी आ गया तो वर्ब के बाद नाउन भी है प्रोनाउन भी है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसने उसको क्या ऑफर किया कप केक क्या ऑफर किया कप केक तो कप केक क्या है अगेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपने देखा ये आस्क ऑफर गिव टेल इन सब के आगे दो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट माय मदर टोल्ड मी अ स्टोरी मेरी मम्मी ने मुझे क्या सुनाई स्टोरी सुनाई स्टोरी हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी को क्या हो गया मुझे सुनाई तो मी मेरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके टोल्ड हो गया माय मदर हो गई सब्जेक्ट ओके तो आप पूरे सेंटेंस को डायसेक्ट करने लग जाओगे जैसे ही आप सारी क्लासेस मेरी ऐसे ही लाइन से पढ़ने लगोगे ठीक है सारे सेशन अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट जो पूरा सेंटेंस है इंग्लिश का आपको समझ में आएगा कि कहाँ नाउन है कौन सा प्रोनाउन है क्या एडजेक्टिव है क्या वर्ब है पूरे सेंटेंस को पूरी इंग्लिश ग्रामर आपकी क्लियर हो जाएगी ठीक है इसलिए जरूरी है कोई भी सेशन मिस मत करिए जरूर आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए चलिए रूल नंबर टू देखते हैं अ नाउन यूज एडवर्बियली टू मॉडिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव और एन एडवर्ब डिनोट टाइम प्लेस डिस्टेंस वेट वैल्यूज कॉल्ड एडवर्बियल ऑब्जेक्ट तो मैंने वही बोला कि अगर बाद में एडवर्ब आता है एडवर्ब किसका आंसर देता है हाउ वेन वेयर इन सबके आंसर देता है तो वो भले ही हमें ऑब्जेक्ट जैसा लगेगा बट वो होता क्या है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स ही होंगे देखिए एग्जाम्पल आई वेंट होम आफ्टर द पार्टी मैं घर के अरे मैं पार्टी के बाद कहाँ गई घर गई आई क्या है सब्जेक्ट है वेंट क्या है वर्ब है ठीक है होम गई आफ्टर द पार्टी तो ये होम क्या है आपको वॉट या होम का आंसर मिल रहा है क्या आई वेंट वॉट में होम आप बोलोगे या आई वेंट होम में वॉट बोलो होम बोलोगे नहीं आई वेंट वेयर में होम आ रहा है वेयर वेन मतलब टाइम बता रहा है कोई प्लेस बता रहा है होम क्या है प्लेस है इसकी जगह कोई टाइम बताता कुछ डिस्टेंस बताता है किसी चीज की वैल्यू बताता किसी चीज का वेट बताता तो ये होम अगेन क्या है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है भले ही आपको लग रहा है कि ये नाउन है इसके बाद लगा है बट ये अगेन वेंट आपका इसमें क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब है ओके okay? क्योंकि इसमें आपको आंसर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा वेयर यू वेंट आफ्टर द पार्टी तो वो बोलेगी आई वेंट होम वेयर करके वॉट या होम करके पूछा तो आंसर नहीं मिल रहा है तो ये सब क्या है ये सब एडवर्ब्स के तरीके हैं शी रैन फाइव किलोमीटर्स तो आप कहोगे अरे फाइव किलोमीटर्स नाउन तो लिखा है तो ये रैन क्या होगा ट्रांजिटिव होगा आप मार्क करोगे और गलत हो जाएगा नहीं आपको ये ध्यान रखना वॉट या हू का आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है शी रैन हाउ मच डिस्टेंस है ये फाइव किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है सो so अगेन ये रैन आपका क्या है इन ट्रांजेटिव वर्ब है माई चाइल्ड वेज फाइव के अरे तो ये क्या है वेट डिनोट कर रहा है वेट हाउ मच माय चाइल्ड वेज हाउ मच का आंसर है व्हाट या हूं का आंसर नहीं मिल रहा है व्हाट या हू का जवाब वर्ब से पूछो आंसर मिले तभी सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स होगी हाउ का आंसर मिले वेयर का आंसर मिले व्हेन का आंसर मिले सब क्या है सब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ही स्लेप्ट लेट इन द नाइट तो इसमें वॉट ही स्लेप्ट इन द नाइट होम ही स्लेप्ट इन द नाइट आंसर नहीं मिल रहा वेन ही स्लेप्ट इन द नाइट का आंसर मिल रहा है तो अगेन इन ट्रांटिव होती है ही स्लेप्ट इन द नाइट तो वो बोलेगा आई स्लेप्ट लेट इन द नाइट तो अगेन आपको भले ही लग सकता है कि लेट नाउन तो आ रहा है ठीक है लेट नाउन नहीं होता है वैसे तो ये आपका क्या हो जाएगा अगेन इन ट्रांजिटिव हो जाएगा एडवर्ब है ये ठीक है रूल नंबर थ्री क्या बोलता है सेम वर्ब्स कैन बी यूज ट्रांजिटिवली और इनटिवली डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर यूज इन देंटें अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि ट्रांजिटिव वे में भी यूज हो सकती है और इन ट्रांजिटिव में भी हो सकती है मतलब वो अपने आगे ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती डिपेंडिंग अपॉन की स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमने क्या फ्रेम किया है देखिए फॉर एग्जाम्पल ही रैंक द बेल ही आपका क्या है सब्जेक्ट है रैंग क्या है वर्ब है बेल क्या है ऑब्जेक्ट है हमें आंसर वॉट या होम का मिलेगा तो हम ट्रांसिटिव मार्क करेंगे नहीं मिलेगा तो हम इन ही रैंग आंसर मिल गया ही रैंग द बेल क्या है ट्रांजिटिव है नाउन भी आ रहा है डायरेक्ट द बेल रैंग लाउडली द बेल क्या है सब्जेक्ट है रैंग आपका वर्ब है लाउडली आपका एडवर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें आपको वर्ड द बेल रैंक या हुम द बेल रैंक का आंसर नहीं मिल रहा हाउ द बेल रैंक का आंसर मिल रहा है तो क्या होता है इन ट्रांजिटिव होता है और हमने आपको ये भी बताया था वर्ब क्या गया एडवर्ब आया प्रपोजिशन आया एडजेक्टिव आया तो भी वो इन ट्रांजिटिव होता है ठीक है तो ये सारे इतने सारे हम एग्जाम्पल्स करा रहे हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए डिफरेंट रूल्स के थ्रू कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इन ट्रांजिटिव वर्ग क्या है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट द सोल्जर्स पॉट द एनमीज दोल्जर्स इज योर सब्जेक्ट फॉर्ट इज योर वर्ब अब वॉट द सोल्जर्स नहीं आंसर मिला हु सोल्जर स्पॉट में आंसर मिल गया द एनमीज तो क्या है ये इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का अगेन ये वाली फोर्ट क्या है ये ट्रांजिटिव वर्ब है ठीक है फोर्ट यहां पर द सोल्जर्स फॉर्ट फ्री फ्य सोल्जर्स कैसे लड़े फियर्सली लड़े सोल्जर सब्जेक्ट है वर्ब है। अब इसमें अगेन आंसर मिला हमें हाउ द सोल्जर्सली फियर्सली एडवर्ब है तो ये वाला फॉर्ट इधर में इनट्रांजेटिव है तो आपने देखा सेम ही जो वर्ब्स है चाहे यहाँ पे आप रैंग देखो तो एक में ट्रांजेटिव तरीके से यूज हो रहा है And second sentence may it is used as intransitive verb. Similarly here what is used as transitive verb. And in this second sentence what is used as intransitive verb. So same verbs can be used as either transitive or intransitive depending upon the structure of the sentence. Okay students. So next rule, rule number 4 says phrasal verbs can be used transitively or intransitively depending upon how they are used in the sentence. Similarly, phrasal verbs can also be used as intransitively or transitively. Look at these examples. First one says, "Please turn up the volume a little bit." अब आप इसको ये मत करिएगा कि turn को verb समझ लीजिए और up को preposition समझ लीजिए. Turn up पूरा आपस एक साथ क्या है? पूरा turn up आपका phrasal verb है. Okay? So what turn up के लिए पूछा गया है? इसमें what का answer मिल रहा है? प्लीज टर्न अप वॉट अ लिटिल बिट प्लीज टर्न अप वॉट अ लिटिल बिट तो आंसर मिल गया द वॉल्यूम तो इधर में ये टर्न अप कैसे यूज हुआ ट्रांजिटिव वर्ब की जैसे यूज हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया इसको वॉल्यूम सेकेंड एग्जाम्पल में शी फेल्ड टू टर्न अप फॉर वर्क ऑन मंडे शी फेल्ड टू टर्न अप फॉर वर्क ऑन मंडे वॉट अब इसमें आप पूछ सकते हो क्या कुछ आंसर मिल रहा है आपको व्हाट का या का फॉर आ गया है प्रेपोजिशन आ गया, गया प्रेपोजिशन के बाद जो वर्क है वर्क है जो कि नाउन है तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अगेन यहां पर टर्न अप क्या हो गया इनट्रांजेटिव वर्ब हो गया आपको वर्ट या हूं का क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हो रहा है कैसे पूछोगे ठीक है ना फॉर वर्क आएगा वॉट शी फेल टू टर्न अपर में फॉर वर्क आएगा सिर्फ वर्क नहीं आ रहा है आपको फॉर प्रेपोजिशन है. है तो वो नहीं आना चाहिए इन ट्रांटिव है आई वोकप एट सिक्स एम इन द मॉर्निंग है ना सो इसमें वोकअप क्या है अगेन आपका वर्ब है बट वर्ब के बाद क्या आ गया

सो so, किसके बारे में बोल रहा है वॉट यू शुड लुक इंटू दिस मैटर दिस मैटर वॉट का आंसर मिल रहा है और लुक इंटू के बाद डायरेक्ट इसका नाउन आ रहा है दिस मैटर तो ये लुक क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट्स आया आपको ये रूल भी समझ में इसलिए जरूरी है कि आपको ये देखना कि वो वर्ब के आगे अगर कुछ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है तो ये देखना है वो प्रेपोजिशन कहीं वो फ्रेजल वर्ब भी तो नहीं है जो आपस में कनेक्ट आप, कर रहा है ठीक है वोक एट तो ये अप पूरा आपस में फ्रेजल वर्ब है ये एट अलग से प्रपोजिशन है इसको को अलग से डायसेक् मत कर दीजिएगा ठीक है नेक्स्ट रूल नंबर फाइव देर आर सम वर्ब्स विच कैन नेवर बी यूज ट्रांजिटिवली मतलब ये जितने भी वर्ब्स मैंने यहां पे लिखे हैं ना ये हमेशा ही हमेशा कैसे यूज होंगे इन वर्ब्स हैं ये सारे इन यूज होंगे इन वर्ब्स हैं ये सारे ही स्लेप्ट फॉर फाइव आवर्स इन द इवनिंग अब ये ही स्लेप्ट के आगे कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है क्या नहीं आ सकता आप फॉर फाइव आवर्स अगर हटा भी दो पूरा स्ट्रक्चर अगर कट भी कर दो तो ये ही स्लेप्ट भी अगर आप सिर्फ बोलोगे ना तो सेंस बन जाता है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की यही ब्यूटी है उनको उसके आगे कंप्लीशन के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वो वर्ब अपने आप में ही सेंटेंस को कंप्लीट कर देती है इंट्रांजेटिव वर्ब इसीलिए उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ही स्लेफ्ट फॉर फाइव आर्स इन द मॉर्निंग में इसमें आप अलग से भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ही सब्जेक्ट है स्लेफ्ट वर्ब है फॉर प्रेपोजिशन है उसके आगे सब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये इंट्रांजेटिव वर्ब है और अलग से भी आप ही स्लेफ्ट बोलो तो कंप्लीट हो गया उसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है

ठीक है बाकी रूल्स तो हम आपको समझा ही रहे हैं एक एक करके द ट्रेन अराइव्ड एट राइट टाइम द ट्रेन अराइव्ड अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है द ट्रेन अराइव्ड एट राइट टाइम आपने बोला एट प्रपोजिशन आ ही गया तो वैसे भी ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आगे का वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये इंट्रांजेटिव वर्ब्स है तो वैसे ही स्लीप जम्प कम गो फॉल डाय इन सबको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ये अपने आप में ही सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं ये सारे आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स है इन ट्रांटिव वर्ब्स नेक्स्ट सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉग्नेट ऑब्जेक्ट तो क्या होता है कुछ ऐसे इंट्रांजेटिव वर्ब्स है जिनके आगे एक ऑब्जेक्ट यूज होता है ऑब्जेक्ट लग रहा है सु, देखिए सुनिए ध्यान से इन ट्रांजिटिव वर्ब्स है फिर भी उनके आगे ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है जिसका मीनिंग वो जो वर्ब का मीनिंग है वो सेम सेम है तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है तो अगर वो ऑब्जेक्ट यूज भी हो रहा है तब भी वो इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में ही आएंगे उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट देखिए लास्ट नाइट आई ड्रेम्ट स्वीट ड्रीम आई आपका सब्जेक्ट है ड्रेमट आपका वर्ब है और अ स्वीट ड्रीम आपको लग तो रहा है हाँ भाई मेरे पास ऑब्जेक्ट मिल गया है वॉट आई ड्रेम आ तो रहा है है ना तो इन ट्रांसलेटिव वर्ब को क्या है एज अ ट्रांजिटिव यूज किया गया है अब आप देख रहे हो तो इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही मीनिंग दे रहा है लास्ट नाइट आई ड्रेम्ट भी लिख दोगे तो भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है अ स्वीट ड्रीम भी लिख दे तो जो ऑब्जेक्ट है और वर्ब है इनका सेम ही मीनिंग है है ना इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं ठीक है द सोल्जर्स स्पॉट अ ब्रेव फाइट तो ब्रेफ फाइट एक ही जैसा है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है इन को ट्रांजिटिवली यूज किया जा रहा है बट है इन ही साइड अ डीप उसने ऐसे बहुत गहरी सांस ली ही द लाइफ ऑफ अ सेंट लिव्ड वर्ब लाइफ ऑफ अ सेंट तो ये भी अगेन ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का ही यहाँ पे भी देखो साइड साई फॉट फाइट ड्रेम ड्रीम ठीक है नेक्स्ट अब हम आते हैं इतने इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वर्ब्स की कैटेगरी पे वो है आपका रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स देखिए रेगुलर वर्ब्स तो बहुत इजी होते हैं समझने इनरेगुलर वर्ब्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं तो बट हम आज सारी कॉम्प्लेक्सिटी अपनी दूर कर लेंगे सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे ठीक है बस ध्यान से, से सेशन को सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बाद में चलिए रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं आपको आई होप ये पता है वी वन फॉर्म वी टू फॉर्म वी थ्री फॉर्म V4 और V5 की जरूरत नहीं है वो ing और एक s करके लग जाता है ठीक है तो ये आप मानिए ये V1 फॉर्म है ये V2 फॉर्म है ये V3 फॉर्म है V1 फॉर्म आपका सिंपल बेस फॉर्म होता है V2 आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है V3 आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है ओके V1 आपका बेस फॉर्म V2 आपका सिंपल पास्ट और V3 आपका होता है स्टूडेंट्स पास्ट पार्टिसिपल ठीक है तो जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी जो सिंपल सेट या fixed ending होती है उनमें में या e आता है है उनमें ज़्यादातर में या आता बस इतना रूल रेगुलर वर्ब्स का सिर्फ इतना रूल है कि उनका जो टेंस और पास्ट पार्टीपल होता है पार्टिसिपल होता है वो सेम होता है और दोनों में आगे डी आ जाएगा या फिर ईडी e आ जाएगा जैसे डांस है डांस्ड डांस्ट आई लाइक टू डांस आई डांस टडे आई हैव डांसड ठीक है तो मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा हैड डांस हैव डांस प्रेजेंट पार्टिसिपल देख लो इसको सिंपल पास्ट और ये बेस्ट फॉर्म वैसे मैरी का क्या होता है वाई हटके ईडी आ गया आई ईडी आ गया मैरी मैरिड मैरिड ठीक है तो ये क्या है ये सब रेगुलर फॉर्म्स हैं ऐसे बहुत सारे हैं ठीक है कैरी कैरिड कैरिड ठीक है अब देखिए इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं वो अपने या तो पूरे पूरे फॉर्म चेंज कर देंगे एकदम अलग ही हो जाएंगे और या फिर वो तीनों फॉर्म्स में सेम रहेंगे मतलब और या फिर वी टू वी थ्री एकदम डिफरेंट हो जाएगा वी वन से देखिए जैसे पुट, पुट 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 तीनों सेम है इरेगुलर वर्ब है कट 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 पास्ट में भी होता है आई कट द एप्पल्स आई कट द एप्पल्स आई हैड कट द apples. तीनों में सेम ही रहता है ठीक है वैसे पुट 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 बिगिन का एकदम देखोगे तो एकदम फॉर्म चेंज कर दिया बिगिन का डी या इी नहीं आया बिगैन हो गया बिगन हो गया देख रहे हो ब्रिंग का देखिए एकदम फॉर्म ही चेंज कर देगा ब्रॉट ब्रॉट है ना इनमें कुछ फॉर्म चेंज किया इसमें सिर्फ डी लग गया ईडी लग गया इतना ही चेंज हुआ इनमें आप देख रहे हो पूरा पूरा चेंज हो जा रहा है ओके okay, स्टूडेंट्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट देखना ये वो वाले इनरेगुलर वर्ब्स मैंने सिर्फ लिए हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं और साथ में ये जो पहली लिस्ट है इसमें हम देखते चलेंगे ट्रांजिटिव है कि इन ट्रांजिटिव है ओके okay, उससे कनेक्ट करते चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना तो पहला आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो दो अलग अलग है फेल फेल्ड फेल्ड फॉल फेल फॉलन आपको पता है इनमें क्या डिफरेंस है ये जो पहला वाला फेल 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 है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और ये वाला फॉल फेल फॉलन जो है ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है देखिए ये वाला फेल क्या है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिराना और ये वाला फॉल फेल फॉलन क्या है खुद से गिर जाना सब्जेक्ट का खुद से हो जाना किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है फॉर एग्जाम्पल द वुड कटर फेल्स द ट्री द वुड कटर फेल्ड द ट्रीज द वुड कटर हैड फेल्ड द ट्रीज समझ रहे हैं ये एग्जाम्पल लिख देते हम द वुड कटर फेल्ड द ट्रीज ये वाला फेल्ड यूज हुआ है ये वाला ये आपके तीनों फॉर्म किसके ट्रांजिटिव है? के हैं इसके बाद देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है द ट्रीज वॉट द वुड कटर फेल्ड आंसर मिल गया द ट्रीज तो जब आपके पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तब आपको ये वाला फॉर्म यूज करना है फेल फेल्ड फेल्ड और जब जिसका मतलब है कि गिर जाना यानी आई फेल डाउन आई फेल डाउन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है मैं नीचे गिर गई किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्शन हो रहा है राइट आई फेल डाउन फेल के बाद वर्ब भी इसके बाद क्या आ रहा है प्रपोजिशन आ रहा है इन ट्रांटिव है किसी को ऑब्जेक्ट नहीं है ठीक है द लीव्स फेल डाउन फ्रॉम द ट्रीज द लीव्स हैड फॉल इन डाउन फ्रॉम द ट्रीज ओके सो आप समझ रहे हो कब इसको यूज करना है फेल्ड को और कब फॉल इन को यूज करना है द वुड कटर हैड फेल्ड द ट्री लीव्स आएगा ट्रीप्स आएगा और द लीव्स हैड फॉल इन डाउन फ्रॉम द ट्रीज आएगा समझ रहे हैं आप कब फेड लगाना है कब फॉल इन लगाना है इसीलिए पहले ट्रांसिटिव इन ट्रांसिटिव पढ़ाया जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है मतलब वो ट्रांजिटिव है तब फेड आएगा और जब इन ट्रांसिटिव का सेंस दे रहा है भाई लीव्स खुद से गिर गई हमने थोड़ी ना गिराया द लीव्स हैड फॉल इन फ्रॉम द ट्रीज फॉलन के बाद देख रहे हो कोई प्रपोजिशन आ गया या फॉलन डाउन लगा दो प्रपोजिशन आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फॉलन आएगा द वुड कटर हैड वुड कटर हैड फेल्ड द ट्रीज ऑब्जेक्ट आया ना इसके बाद इसलिए फेल्ड वाला फॉर्म आएगा ये वाला इसलिए मैंने आपको पढ़ाया ओके okay? बहुत इंपॉर्टेंट रूल था आई होप आपको समझ में आ गया अभी सिमिलरली इसका देखिए रेस और राइस का रेज रेस्ट रेस्ट ये कौन सा फॉर्म है ये फॉर्म है आपका ट्रांजिटिव वर्ब का कैसे बोलेंगे गवर्नमेंट रेज्ड द टैक्सेस ठीक है गवर्नमेंट रेज्ड द टैक्सेस अब ये ट्रांजिटिव है रेज्ड आपका वर्ब है इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है वॉट गवर्नमेंट रेज्ड द टैक्सेस नाउन आ गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो रेस्ट लगाया राइज मतलब सन के लिए बोलते हैं हम लोग खुद से उगता है या उगना या उठना राइज होता है रेज मतलब उठाना इन ट्रांजिटिव वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी किसी चीज के ऊपर होगी इन ट्रांजिटिव वर्ब खुद ही के ऊपर होगी ठीक है गवर्नमेंट ने टैक्स को रेज किया इसलिए रेज हुआ रोज नहीं आएगा आई हैड रेस्ट माय हैंड मैंने अपना हार्ट उठाया था या आई रेस्ट माय हैंड तो टेंस में भी लिख सकते हैं हाथ के ऊपर हुई ना एक्टिविटी रेस्ट वर्ड माई हैंड ये क्या ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ड में जब वर्ब यूज करोगे जब आप सेंटेंस में तो राइज मतलब उठना खुद से द सन राइजेस इन द ईस्ट बोलते ना खुद से उगता है ना तो ये हो गया सन राइजेस इन द ईस्ट यस्टरडे द सन रोज लिटिल लेट ओके सो आई रोज अप फ्रॉम माई बेड मैं अपने बेड से उठी तो ये सब क्या है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है खुद से ही हम कर रहे हैं ये किसका फॉर्म देगा आपका राइज रोज रिजल्ट इन ट्रांस का आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आई होप समझ में आ रहा है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन ले लाई लाई आप देख रहे तीन फॉर्म है तीन अलग अलग है एक में मैंने लिखा है ले लेड लेड एक में लिखा है लाई लेन ले, ले, एक में लिखा है लाई लाइड लाइड तीनों के अलग मीनिंग्स होते हैं, तीनों के अलग यूसेज है होते हैं इंग्लिश ग्रामर में पहला जो है ले लेड लेड पहले तो ये लिख देते हैं ये है क्या ट्रांजिटिव है इसमें कैसे बोलोगे हैन लेड एन एग हैन सब्जेक्ट है लेड आपका क्या है वर्ब है इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जब रखना या देना रखने वाली सेंस अगर ट्रांजिटिव है तो ले लेड लेड यूज करेंगे ये वाले और जब रखने वाली सेंस इन ट्रांजिटिव है तो लाई ले लेन यूज़ करेंगे जैसे अगर हम आपसे बोले ही हैड लेड हिज फोन ऑन द टेबल मतलब उसने फोन टेबल पे रखा अगेन ऑब्जेक्ट पे काम किया गया फोन पे फोन को रखा तो अगेन ट्रांजिटिव वाला ले का चाहिए तो ट्रांजिटिव वाला यही फॉर्म है ले लेड लेड और इन ट्रांजिटिव में बोलेंगे लाई ले लेन लाई ले लेन किसका है का है का आई लाई अंडर द ट्री मैं ट्री के नीचे लेड गया कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आया ना मैंने खुद ही से ये काम किया और लाई के बाद आप ये देखोगे तो प्रपोजिशन आ गया ऑब्जेक्ट नहीं आया तो मतलब यहां पे हमें लाई का कौन सा यूज करना है इन ट्रांजेटिव वाला यूज करना है इधर में अगर हमें पास यूज करना होगा तो आई ले अंडर द ट्री आई हैड लेन अंडर द ट्री आया आपको समझ में स्टूडेंट्स तो जब हमें इन ट्रांटिव वे में यूज करना है तो हम लोग लाई ले लेन यूज करेंगे और जब हमें ट्रांजिटिव वे में यूज करना है जिसमें ऑब्जेक्ट है तो ले लेड लेड यूज करेंगे ओके और ये वाला जो लाई है ये इन लोगों से एकदम अलग है इसका मतलब होता है झूठ बोलना है ना ही लाइड टू मी ही हैड लाइड टू मी ठीक है चलिए अब ट्रांजेटिव इन ट्रांजेटिव हो गए आपके काफी इनरेगुलर रे वर्ब्स के साथ भी मैंने आपको कनेक्ट करके दिखा दिए वो सारे लिए थे जो बहुत कंफ्यूजिंग है अगेन वो सारे अभी नेक्स्ट बस ये लास्ट टेबल है आपकी इसमें पड़ेंगे जो कन्फ्यूजिंग है ये वाले दोनों हैंग देखिये है। एक में लिखा है हैंग हंग हंग एक में लिखा है हैंंग हैंगड हैंगड तो एक ये जो है हंग हंग इसका मतलब क्या होता है लटकाना और ये हैंग्ड क्या है फांसी लगाना दूसरा वाला सो ही हंग हिज फ्रेम फ्रॉम द वॉल ठीक है इसका मतलब क्या है किसी चीज को लटकाना दीवार से और इसका मतलब क्या है फांसी पे लटकना ही वॉज हैंंग्ड टिल डेथ ही हैं तो ये वाले आपके क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा ये इनट्रांजटिव हो जाएगा वो तो ठीक है लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है वो भी समझिए जब किसी चीज को लटकाने वाली बात आए चाहे अपना मुंह लटका रहे हैं चाहे आप अपना मतलब दुखी से फेस लटकाते हैं ना बोलते हैं तो वो लटका रहे हैं चाहे फिर आप कुछ वॉलपेपर लटका रहे हैं कुछ फोटो फ्रेम लटका रहे हैं वैसे कुछ तो उसमें हैंग में हंग हंग यूज होता है और जब कुछ फांसी लगाने वाला लटकाना हो गया तो हैंग यूज होता है ओके okay? सिमिलरली ये वाला फाइंड और फाउंड कंफ्यूजिंग होता है फाइंड फाउंड 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 फाउंडेड फाउंडेड पहला वाला फाइंड फाउंड फाउंड तो सभी को पता है मतलब खोजना खो, मतलब मिल जाना या आई फाउंड माय कुछ भी बोल सकते हो आई फाउंड माय लॉस्ट कैट आई फाउंड माई बुक इन हर बैग ठीक है मतलब वो खोजी तो मिल गई मतलब मिल जाना और ये वाला जो फाउंड आप देख रहे हो उसमें base form ही found है. और इसका पास है पास्ट पार्टिसिपल है, भी है founded. तो ये वाला फाउंड फाउंडेड फाउंडेड कौन सा है ये वाला है स्टेब्लिशमेंट करना किसी चीज की स्थापना करना जैसे धीरू भाई अंबानी फाउंडेड रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी चीज की स्थापना करी लेड द स्टोन ऑफ समथिंग इसका मतलब समझ रहे हैं आप तो जब स्टेब्लिशमेंट करना किसी चीज की तो ये वाला यूज होता है बेस फॉर्म इसका फाउंड फाउंड होता है फाउंडेड found, फाउंडेड और किसी चीज को ढूंढना मिल जाना उसका तो फाइंड फाउंड फाउंड ठीक है फॉरबिड एक थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए लिखा मना करना फॉरबिड तो फॉरबिड का पास्ट टेंस क्या होता है फॉरबेड बी ए डी ई याद रखना है एंड ही हैड फॉरबिडन

स्पैट ऑन द रोड स्पैट स्पैट स्पिट का क्या होता है स्पैट स्पैट और स्पिल मतलब गिर जाना जैसे बोलते हैं डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क तो स्पिल्ड भी बोल सकते हैं और स्पिल्ट भी करेक्ट है इसमें ठीक है सो स्पिल स्पिल्ड स्पिल्ड या स्पिल spill, स्पिल्ट और स्पिल्ड हैड स्पिल्ट ऐसे करके बोल सकते हैं ये पांच पार्टिसिपल है इसमें मतलब आगे, आगे आप हैज हैड लगाएंगे हैज प्रेजेंट के लिए, लिए लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं तो हैड लगाइए सिर्फ ठीक है साहब हो आपको समझ में आ रहा है जो थर्ड फॉर्म है उसके आपको ये सब आ गए हैंग हैंग फाइन फाउन कॉस्ट स्प्लिट स्पिट स्पिट ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं इसलिए मैंने ले लिए तो चलिए स्टूडेंट आई होप आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में भी और नए रूल्स आ जाते हैं कई बार और कई हमारे क्या है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं इसलिए क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, ये क्वेश्चन है आपके एरर डिटेक्शन के अगर आपको लगता है एरर है फर्स्ट पार्ट में तो आप आंसर मार्क करो वन आपको लगता है एरर है सेकंड पार्ट में आप आंसर मार्क करिए एरर लगती है थर्ड पार्ट में आप आंसर मार्क करिए थ्री और आपको लगता है नो no एरर तो आंसर मार्क करिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके बींग अनवेल शी हैज लेड इन बेड होल डे बींग अब हमको पता है हम वैसे चैप्टर वर्ब का कर रहे हैं तो एरर भी वर्ब वॉपसी की होंगी तो ये एक ईजी है आपके लिए ढूंढना ठीक है बींग अनवेल सही है कोई एरर नहीं शी तो यहाँ एरर है अब हम लोग पहले लिख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था ले, लेड, लेड, और लाई, ले, लेन तो हमने क्या पढ़ा था जो ले, लेड लेड होता है वो तो ट्रांजिटिव होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जैसे ही लेड हिज मोबाइल फोन ऑन टेबल और लाई ले लेन क्या होता है खुद से पड़ जाना लेट जाना जिसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये इन तो वो बेड पे लेट गई तो कौन सा यूज होगा पहले तो ये बताइए फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला खुद से लेट गई सेकंड वाला यूज होगा यहाँ इन आएगा और हमें कौन सा चाहिए थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैज लगाए है, तो हैज लेन शी हैज लेड नहीं होगा क्या होगा लेन इन बेड फॉर डे ओके साफ साफ लिख देते हैं शी हैज ले इन बेड फॉर होल्डे लेड इज इन करेक्ट ओके ये वाला आएगा ये नहीं आएगा इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया नेक्स्ट देखिए जैक रोज इज हैंड टू आंसर द क्वेश्चन इन इज क्लास क्या एरर है क्या नो एर जैक रोज इज हैंड तो हमने क्या देखा था राइज का होता है राइज रोज रिज इन और रेस रेस्ट और रेस्ट होता है तो बताइए अब जैक ने क्या अपना हाथ उठाया ऑब्जेक्ट आ रहा है रोज तो कहाँ यूज होता है जो इन ट्रांज़िटिव होता है जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट आई रोज अ पल्ली इन द मॉर्निंग या वो कप होता है वैसे खुद के लिए तो रोज हिज हैंड नहीं आएगा क्या आएगा रेज हिज हैंड आएगा ट्रांज़िटिव वर्ब आएगी रोज नहीं आएगा क्या आएगा जॉन रेज हिज हैंड एरर कहाँ है आपकी ऑप्शन वन में आपका करेक्ट आंसर थर्ड पढ़िए John hanged his head down in shame when found guilty of murder अभी आपको ये पढ़ाया। John hanged his head down in shame when found guilty of murder क्या है ट्रांजिटिव आएगा कि इंट्रान्सिटिव आएगा पहले ये सब चीजें इसलिए ट्रांजिटिव को रेगुलर इररेगुलर वर्ब से कनेक्ट किया है आपके अपना हेड लटकाया ऑब्जेक्ट है, लटका है।, है। हैंगड तो होता है फांसी लगा लेना तो अपने सर की फांसी तो नहीं लगाएगा मतलब दुखी से लटका लेना तो कौन सा फॉर्म आएगा हैंग हंग हंग, हंग. हैंगड नहीं आएगा जॉन ंग हिज हेड डाउन इन शेम सैर कहा है आपकी ऑप्शन वन में ओके स्टूडेंट फोर्थ देखिए इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट दैट टाइम हैज फ्लोड सो फास्ट अब देखिए और नया रूल आ गया यहाँ पे टाइम हैज फ्लोड सो फास्ट तो देखिए एक होता है आपका फ्लो flow, फ्लोड और फ्लोड और एक होता है फ्लाई फ्लू फ्लोन तो ये जो है फ्लाई फ्लू फ्लोन इसका मतलब होता है उड़ जाना जैसे बर्ड्स के लिए यूज करते हैं या समय के लिए कहते हैं ना समय उड़ गया निकल गया और ये जो है फ्लो फ्लोड फ्लोड ये होता है बहना जो कि रिवर्स के लिए यूज करते हैं ओके सो टाइम के लिए क्या यूज करेंगे समय बह रहा है समय जल्दी से बह गया कि निकल गया उड़ गया समय ठीक है सो टाइम हैज थर्ड वाला है हैज के साथ फ्लोड नहीं क्या आएगा फ्लोन वैसे अगर रिवर होता तो क्या आता रिवर हैज फ्लोड आता या ओवर फ्लोड आता ठीक है टाइम के साथ फ्लाई फ्लू फ्लोन यूज होगा सिमिलरली बर्ड्स के साथ भी फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है द बर्ड्स हैड ठीक है द बर्ड्स फ्लू अवे और रिवर्स के साथ फ्लो फ्लोड फ्लोड ठीक है ही इज सीमिंग वेरी सैड आफ्टर द डिवाइस ऑफ हिज फादर इसमें कहा एरर है तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो लिंकिंग वर्ब होती है वो आई फॉर्म नहीं लेती है फर्स्ट क्लास में बताया था सो इस सीमिंग नहीं आएगा ही सीम्स वेरी सैड ठीक है सीम्स क्या है आपका लिंकिंग वर्ब है जो इमोशंस बता रही है अपियर्स लुक इन सब के आगे आई एन जी फॉर्म यूज नहीं होते हैं द स्काई अपियर्स ब्यूटिफुल द स्काई इज अपियरिंग ब्यूटिफुल इन करेक्ट होता है सो so, ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन वन है वन मैर है आपकी

तो वर फाउंडेड नहीं वर फाउंड इन इज वर्क ठीक है इसीलिए ये सब आपको पढ़ाए थे जो कि आपस में थोड़े से रिलेटेड है, है, है. So, को रिलेटेड है आपकी ऑप्शन टू में सेवेंथ देखिए ही फॉर दैट इंक्रीज इन एन एवरेज सैलरी विल रिमेन अराउंड ट्वेल्व परसेंट वेयर इज द एर एरर इज इन योर ऑप्शन वन फॉर करके कोई वर्ड नहीं होता स्टूडेंट्स फॉरे कास्ट फॉरे कास्ट फॉरे कास्ट फॉरे कास्ट का पास्टेंस भी फॉरकास्ट होता है सिमिलरली ब्रॉडकास्ट 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 होता है सिमिलरली टेलीकास्ट 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 होता है इन सब का पास्टेंस नहीं होता है पास्टेंस में भी द मूवी वॉज ब्रॉडकास्ट ही आएगा द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट आएगा टेलीकास्ट आएगा ठीक है पुलिस बिलीव जैक वॉज स्लेड एंड हिज बॉडी डम्प इंटू अ गार्बेज बिन वेयर इज दर पुलिस बिलीव जैक कोई एरर नहीं वॉज स्लेड में स्लेड करके कोई वर्ड ही नहीं होता है इसले स्ल्यू बुरी तरीके से मार देना ना काट देना स्लेन स्लेड नहीं होता स्ले स्ल्यू स्लेन सो पुलिस बिलीव जैक वाज स्लेन आएगा थर्ड वाला है ना स्लेड नहीं होता स्ले स्ल्यू स्लेन ठीक है एंड हिज बॉडी डम्ड इन अ गार्बेज बिन उसको काट के कूड़ेदान में फेंक दिया गया अब ये जो 9th इसमें एरर नहीं डिटेक्ट करनी है इसमें आपको ये बताना है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रानजिटिव है अब जो मैंने इतने सारे रूल्स पढ़ा है वही अप्लाई करने है 9th क्वेश्चन है प्लीज पिक अप माय चाइल्ड फ्रॉम स्कूल अब बताइए ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रानजिटिव है तो देखिए पिक अप क्या है आपका पूरा फ्रेजल वर्ब है ठीक है अलग-अलग नहीं करिएगा इसको प्लीज पिकअप हुम आंसर मिल गया हुम माय चाइल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये क्या है आपका इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है प्लीज माय माय चाइल्ड 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 हुम शुड आई योर वी हैंगिंग आउट विद ईच अदर ये बताइए ट्रांजिटिव है कि इन तो तो है हैंगिंग आउट तो देखिए हैंगिंग आउट तो चलिए पूरा फ्रेजल वर्ब है इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वर्ब के आगे प्रपोजिशन आ गया है। अगर बी बाद में एक और ही आ गया है, है ठीक ना? We enjoy hanging out with whom में आंसर मिलेगा वी इंजॉय हैंगिंग आउट डायरेक्ट वर्ब के आगे whom लगाया तो आंसर नहीं मिला है डायरेक्ट वर्ब के आगे हु या whom लगा के आंसर नहीं मिल रहा है और प्रेपोजिशन भी आ गई है तो ईच अदर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला नहीं वर्ब के आगे क्या आ गया प्रेपोजिशन आ गया हम पढ़ चुके हैं वर्ब के आगे प्रेपोजिशन आए एडवर्ब आए एडजेक्टिव आए तो इनडायरेक्ट इन ऑब्जेक्ट इन होता है वर्ब तो ये कैसा हो गया यहां पे ये इनट्रांजेटिव वर्ब हो गया आपका ओके okay, स्टूडेंट्स सो आई होप आज का क्लास आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वर्ब्स के सारे रूल्स रिलेटेड टू ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजेटिव वर्ब एंड रेगुलर एंड इनरेगुलर वर्ब्स आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स पसंद आया हो तो प्लीज़ गिवस थम्स अप और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपका कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस आउट नहीं हो और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है एंड सो आई विल कंटिन्यू टीचिंग यू ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए पढ़ते रहिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग